Hello, myself Himanshu Kumar Sanju. I am a speech language pathologist. So in the last video, you must have seen the voice of Ashok Kumar. He was actually suffering from a speech disorder, or especially we can say it as a voice disorder called puberphonia. So his voice was mostly the feminine type, and it was a very high pitch. And he was actually struggling in his life, and he was having lots of low self-esteem and low self-confidence. And then he contacted me regarding this problem, and I have given some 2 weeks of voice therapy, and after that I have seen a remarkable change in his voice. So now his voice is completely like a normal male voice, masculine voice, and he is very happy with his new voice. So if you have seen my pre-therapy video of Mr. Ashok Kumar, then you will feel a very remarkable change in the post-therapy video. So now we will take a short interview with Mr. Ashok, and then you can also get to know his new voice. So we'll see the new voice of Mr. Ashok. So Ashok, कैसा feel कर रहे हो अपने जो तुम्हारा ये new voice है, जो नया voice है, तुम कैसा फील कर रहे हो अपने नए वॉइस को लेके? क्या तुम मेरे ऑडियंस को बता सकते हो? कैन यू शो इट टू माय ऑडियंस? बता सकते हैं. मुझे मतलब अपनी नई आवाज के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है, और पहले मेरी आवाज काफी हद तक पतली थी और सब लोग मुझे एक अलग नजरिए से देखते थे, सब लोग मजाक का पात्र बनाते थे. और उसके बाद जब से सर से मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है 2 वीक पहले से, तो तब से मेरी आवाज में काफी हद तक सुधार आया है और बहुत अच्छे से मैं आवाज को मतलब बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें बोलने से कोई दिक्कत भी नहीं होती. और अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार के लोग भी सभी बहुत खुश हैं इस आवाज के साथ. तो जब तुम अभी अपने दोस्त को फोन करते हो तो कैसा लगता है उन्हें जब तुम नई आवाज में उनसे बात करते हो? तो क्या वो पहचानने में थोड़ा सा मतलब मिस्टेक करते हैं कि ये अशोक नहीं है? फिर मुझे बताना पड़ता है या भैया से बात करवानी पड़ती है कि मैं भैया से बात कर लूं, मैंने डॉक्टर हिमांशु से ट्रीटमेंट लिया है, उनके दौरान मेरा ये आवाज मतलब बारीपन में आया है. अशोक, इस वीडियो का पर्पस मेनली बनाने का ये है कि मैं इसे अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाना चाहता हूँ, कि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि जिन्हें जिस तरह की प्रॉब्लम है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिले. क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है. तो मेनली इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है. तो इफ समवन हैव सच टाइप ऑफ वॉइस प्रॉब्लम, द फेमिनिन वॉइस प्रॉब्लम, और द मेल वॉइस लुक्स लाइक अ फीमेल वॉइस, so you should contact a speech language pathologist or voice pathologist, and definitely a speech language pathologist is going to help you. So thank you.